वृंदा ब्लॉग्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे मशहूर इंडियन एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज के बारे में, जो कि साउथ सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने एक छोटे से टाइम पीरियड्स के बीच ऑलमोस्ट साउथ के हर बड़े एक्टर के साथ उन्होंने काम किया और फिल्मों में डेब्यू किया। दोस्तों, इलियाना डिक्रूज के बारे में सभी लोग जानते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ सुनी और अनसुनी कहानी है जो आप लोग नहीं जानते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इनका जन्म 1 नवंबर 1987 को मुंबई में हुआ। ये एक रोमन कैथोलिक फैमिली से ताल्लुकात रखती हैं। इनके पिता का नाम है रोनाल्डो डिक्रूज और इनकी माँ का नाम है समीरा। पिता एक कैथोलिक थे, वहीं माँ इनकी मुस्लिम। इनके बड़े भाई का नाम है रियान और छोटी बहन का नाम है एलिन। दोस्तों, इनका जन्म भले ही मुंबई में हुआ हो, लेकिन ये बहुत ही जल्द गोवा में शिफ्ट हो गई। इनका ज़्यादातर बचपन गोवा में ही बीता। इनकी शुरुआती पढ़ाई सेंट जेवियर्स हाई सेकेंडरी स्कूल से हुई और आगे चलकर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कॉलेज के दौरान ही इनकी खूबसूरती और क्यूटनेस स्माइल को देखकर अक्सर इनके दोस्त ने मॉडलिंग करने की सलाह देते थे, और वैसे भी इन्हें फोटोग्राफी से शुरू की इनसे ही इंटरेस्ट था। पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने मॉडलिंग की। 2003 में इन्होंने अपना पहला फोटोशूट कराया, जिसे इन्होंने बहुत ही अच्छा इनको रिस्पांस मिला। फोटोशूट के बाद इन्होंने धीरे धीरे फेयर एंड लवली जैसे विज्ञापन तक गईं। इसके बाद कुछ विज्ञापनों में तो ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया, जिसके चलते इन्हें एक्सपोजर मिला और एक्टिंग के ऑफर आने लगे। 2014 में इन्होंने पुर्तगाल की भी नेशनैलिटी ले ली, क्योंकि इनके पूर्वज पुर्तगाल के थे। दोस्तों, मॉडलिंग के दौरान ही इन्होंने कई फिल्मों में ऑडिशन देना स्टार्ट किया। 2005 में इन्होंने डायरेक्टर तेजा की फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और उस ऑडिशन में सेलेक्ट हो गई। हालांकि आगे चलकर वो फिल्म फ्लोर पे चली नहीं। फाइनली 2006 में इन्होंने राम ओपिनेनी के अपोजिट देवदासु फिल्म में अपना डेब्यू किया। महज 18 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म में ने तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ की कमाई की। इसके साथ ही इन्होंने इनकी तारीफ भी हुई, अट्रैक्शन था जिनके चलते ऑडियंस की इनकी फिल्मों की तरफ अट्रैक्ट हुई। इस तरह इलियाना डिक्रूज को पहली सफलता मिली। दोस्तों, इसके बाद इन्होंने टॉलीवुड के प्रिंस महेश बाबू के साथ काम करने का मौका मिला। ये फिल्म थी पोकिरी, जो रिलीज के साथ ही इस फिल्म ने तेलुगु इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये फिल्म अपने समय तक ही हाईएस्ट ग्रोसर तेलुगु फिल्म बन गई। महेश बाबू और इलियाना डिक्रूज की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई। तेलुगु इंडस्ट्री ने इन्हें बड़े बड़े ऑफर आने लगे। 2006 में इन्होंने तमिल इंडस्ट्री से अपना डेब्यू कर लिया। रवि तेजा के साथ खतरनाक फिल्म आई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल कर नहीं पाई। फिर जूनियर एनटीआर की राखी प्रवास मुन्ना से इन्हें डिस्टेंस भी मिली। रिलीज हुई 2008 में पावर स्टार पवन कल्याण की जलसा, ये फिल्म भी एक बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद इन्होंने लगातार अच्छी अच्छी फिल्मों में काम करना शुरू किया। जलसा के बाद ये मौश महाराजा रवि तेजा के साथ किक फिल्म में नजर आई, ये फिल्म भी सुपरहिट रही। वही टाइम था जब इलियाना डिक्रूज अपने करियर के गोल्डन पिक पे थी और थलपति विजय के साथ नानवन और जुलाई में अल्लू अर्जुन के साथ इन्होंने स्क्रीन शेयर किया और ये फिल्म भी कमर्शियल भी ने काफ़ी कमाई की। कुछ सालों बाद इलियाना डिक्रूज ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू की। बॉलीवुड में इनकी पहली हिंदी फिल्म बर्फी सफल रही। इसके बाद ये शाहिद कपूर के साथ फटा पोस्टर निकला हीरो, वरुण धवन के साथ तेरा हीरो, हैप्पी एंडिंग, रुस्तम, रेड और बादशाह जैसी फिल्मों में नजर आई। रुस्तम और रेड जैसे फिल्में ठीक ठाक चली, बाकी फिल्मों में असफलता से ही नहीं इनका करियर नीचे गिर गया। इन्होंने वहीं पर स्टार्ट नहीं पाई और साउथ में दोबारा चली गई। आखिरकार वो अभिषेक बच्चन के साथ बिग बी बुल में नजर आई और इनका काम इम्प्रेसिव था, जिसके कारण इन्हें लोगों ने काफ़ी सराहा। और इनकी जो बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में अभी आने वाली है, आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। भगवान इन्हें सफलता दे और स्वस्थ रखें। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।
Thank you.